शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालों, अपने मुआहदों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चरने वाले मवेशी हलाल कर दिए गए हैं बजुज उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल न जानना। अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म देता है। मोमिनों, अल्लाह के नाम की चीजों की बेहुर्मती न करना, और न अदब के महीने की, और न कुर्बानी के जानवरों की, और न उन जानवरों की जो अल्लाह की नजर कर दिए गए हों कि जिनके गलों में पट्टे पड़े हों, और न उन लोगों की जो हुर्मत वाले घर यानी बैतुल्लाह को जा रहे हों अपने परवरदिगार के फजल और उसकी खुशनूदी के तलबगार बने हुए। और जब एहराम उतार दो तो फिर इख्तियार है कि शिकार करो। और कुछ लोगों की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम ज्यादती करने लगो। और देखो, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ तआवुन न करो, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब सख्त है। तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और जो जानवर गला घुट कर मर जाए, और जो चोट लगकर मर जाए, और जो गिर कर मर जाए, और जो सींग लगकर मर जाए, ये सब हराम है। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले जबह कर लो। और वो जानवर भी जो गैरुल्लाह के आस्ताने पर जबह किया जाए, और ये भी कि पासों से किस्मत मालूम करो। ये सब गुनाह के काम है। आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए हैं तो उनसे मत डरो, और मुझी से डरते रहो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है, और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। हां, जो शख्स भूख में नाचार हो जाए बशर्ते के गुनाह की तरफ मायल न हो, तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ऐ नबी, तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनके लिए हलाल हैं। उनसे कह दो कि सब पाकीजा चीजें तुमको हलाल हैं, और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए उन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिनको तुमने सधा रखा हो।